सभी ने इस बीमारी का नाम सुना है, जॉन्डिस यानी पीलिया, और ये लीवर से जुड़ी हुई सबसे ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है, सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक्चुअली में जॉन्डिस होता क्यों है, ये आखिर में क्या बीमारी है, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको देखने को मिलते हैं और आपको पहचानना है कि हाँ, अब मुझे शायद पीलिया की दिक्कत हो रही है, और क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये अब मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें जॉन्डिस है क्या, मतलब पीलापन है क्या, आप देखते हो कि आपकी बॉडी में, आपके स्किन में और जनरली आपकी आईज़ में एक येलोइश शेड देखने को मिलता है, मतलब आपको दिखेगा कि पीली पीली कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप महसूस कर पा रहे हो आपके नेल्स के अराउंड, आपके स्किन पे, आपकी आई में आप देख सकोगे कि आप कुछ येलो येलो महसूस हो रहा है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, जॉन्डिस आखिर में हो क्यों रहा है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो हमें बच्चों में देखने को भी मिलती है, हमारे यंग एडल्ट्स में भी देखने को मिलती है और बुढ़ापे में भी देखने को मिलती है, यानी जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये समस्या बहुत कॉमन है। अब आखिर में जॉन्डिस हो क्यों रहा है, हम सभी को पता है हमारी बॉडी में सेल्स बनती रहती हैं, तो जब हमारी ब्लड सेल्स आफ्टर 120 डेज ब्रेक डाउन होती हैं, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका लाइफ स्पेन सिर्फ 120 डेज होता है, 120 डेज के बाद वो टूटती हैं और उनमें से सिक्रीट होता है ब्लूरुबिन। तो जब हमारी रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा अनयूजुअल अमाउंट में टूटना स्टार्ट हो जाती हैं, उनका ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी में ब्लूरुबिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल ब्लूरुबिन की रेंज होती है 1.2 mg पर डेसिलीटर, ये है हमारे यंग एडल्ट्स की। लेकिन अगर हम बात करें बिलो 18, मतलब हमारे इन्फेंट्स और हमारे बिलो 18 वाले एज के जो बच्चे हैं, जो यंग्स हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उनकी बॉडी में होता है ओनली 1 mg पर डेसिलीटर। तो अब आप खुद से ही आइडिया लगा लो, अगर आपकी बॉडी में 1.2 और मान लीजिए 2 से ज़्यादा आपका रेंज बढ़ता है ब्लूरुबिन का, तो मतलब आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है। लेकिन बार बार जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपका लीवर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। लीवर फेलियर, लीवर डिजीज़, लीवर सिरोसिस, एनीमिया, ये सारी कंडीशन डेवलप होती है आफ्टर जॉन्डिस। आपको बार 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 पीले की समस्या हो रही है, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ जा रहा है, आपके लीवर पे, क्योंकि जो भी हमारे रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है उसमें से बिलीरुबिन सिक्रीट होता है, वो हमारे लीवर में केमिकल मेकअप के बाद हमारे पूप के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन अब वो ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, हमारी बॉडी से ब्लूरुबिन सिक्रीट नहीं हो रहा है और वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ही इकट्ठा होता जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें हमारे स्किन पे देखने को मिलता है, हमारी आईज़ में हमें देखने को मिलता है और हमारे पूप और हमारे यूरिन में भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ब्लूरुबिन है क्या, तो ब्लूरुबिन एक येल्लो कलर का पिगमेंट है और जिसकी वजह से हमारे यूरिन और हमारे पूप का कलर डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब जितने भी हमारे कलर कॉम्बिनेशंस हैं, यूरिन का कलर येल्लो, पूप का कलर कोई भी हो सकता है, तो जितने भी हमारे कलर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है ब्लूरुबिन। आई होप आपको समझ आया होगा कि ब्लूरुबिन एक्चुअली में हमारी बॉडी में क्यों आया, क्योंकि जनरली पेशेंट, जितने भी पेशेंट्स हमें श्रेयाज में विजिट करते हैं, तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि मैम ब्लूरुबिन तो बॉडी में होता ही है, तो क्या ये प्रॉब्लम सबको होती है, क्या जिसकी भी बॉडी में ब्लूरुबिन होगा उसको ये प्रॉब्लम होगी? तो इसका आंसर है नहीं। जब आपकी बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट, जो मैंने बताई है नॉर्मल रेंज, अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आपकी बॉडी में ब्लूरुबिन सिक्रीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो आपका लीवर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा या फिर आपकी रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रही है। तो आपको ये कराने के लिए, ये चेक कराने के लिए, आपको जानने के लिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, आपको एक टेस्ट कराना होता है, दैट इज़ ब्लूरुबिन टेस्ट। उस ब्लूरुबिन टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में एक्चुअल अमाउंट है क्या, आपके ब्लड काउंट्स कितने हैं, जिसके लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, नॉर्मल रिपोर्ट्स भी कराते हैं, CBC भी कराते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं, जो ब्लूरुबिन का अमाउंट है वो कितना है। ज़्यादा है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे और अगर कम है तो हम उसे भी कंट्रोल करेंगे। अब इसी से कंडीशंस डेवलप होती हैं, आपको जॉन्डिस हुआ, जॉन्डिस के बाद अब आप खुद से सोचो, जब आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, RBCs हम सभी को पता है बॉडी में कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ओनली ब्लड मेकर है, तो जब भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा RBCs का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी बॉडी में ब्लड लॉस हो रहा है, हमारा ब्लड टॉक्सिक होता जा रहा है और इससे एक कंडीशन डेवलप होती है, दैट इज़ एनीमिया। एनीमिया मतलब हमारी बॉडी में ब्लड बहुत कम रह जाता है
और जो रह जाता है वो टॉक्सिक होता है, जिसका इफेक्ट हमें बॉडी में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही है तो बॉडी अपने सिग्नल्स भेज देती है, बॉडी हमें बता देती है। और वो कैसे बताती है? जॉन्डिस की प्रॉब्लम से, मतलब पीलिया की प्रॉब्लम से। इसके अलावा और कौन कौन से इम्पैक्ट है जो हम अपनी बॉडी पर देख सकते हैं? लीवर सिरोसिस, लीवर डिजीज़ या फिर लीवर फेलियर। अब हो क्या रहा है? हमारी बॉडी में बिलीरुबिन सिक्रीट हो रहा है, लेकिन ब्लड को डिटॉक्सिफाई, ब्लड को प्यूरिफाई करता कौन है? हमारा लीवर। तो इसका मतलब हमारा लीवर भी अपनी फंक्शनिंग ढंग से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। हमारा लीवर बिलीरुबिन को सिक्रीट नहीं कर पा रहा है, उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में ही इकट्ठा होता जा रहा है। तो इससे आपको दो चीज़ें समझ में आ रही हैं, एक तो हमारी बॉडी में अनयूजुअल ब्लड ब्रेकडाउन हो रहा है, और दूसरा लीवर अपनी फंक्शनिंग ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लीवर ओवरऑल 500 फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन जो बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन है ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत सारे बॉडी में चेंजेस देखने को नज़र आते हैं। लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर डिजीज़, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनमें हमारे लीवर की फंक्शनिंग हैम्पर हो रही होती है और जिसका इफेक्ट हमें धीरे धीरे देखने को मिलता है। लीवर पे धीरे धीरे ग्रेजुअली स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से लीवर तक हमारा प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाता। तो अब आपने समझा होगा कि एक छोटी सी बीमारी हमारी बॉडी में कितने सारी एडिशनल चीज़ें, एडिशनल सीवियर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही है। तो अगर आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि आपकी आईज़ येलो हो रही हैं, आपके स्किन येलो हो रही है, आपके नेल्स के सराउंडिंग्स, आपके नेल्स के चारों तरफ आपको दिख रहा है कि पीला पीला हो रहा है, फिर आपके नेल्स पीले पड़े, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी है। या फिर आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा थक रहे हो, आपको सांस बहुत ज़्यादा डीप लेनी पड़ रही है, शेलो लेनी पड़ रही है, ईजिली आप सांस नहीं ले पा रहे हो, जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो आपकी बॉडी सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो अगर आपको ऐसे कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करोगे। क्योंकि अगर हम नॉर्मल बॉडी की बात करें तो वो कोई पीली बॉडी नहीं होती है, उसमें कोई येलोइश आपको पिगमेंटेशन नज़र नहीं आती है। तो अगर आपकी बॉडी में येलोइश पिगमेंटेशन नज़र आ रही है तो दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम। तो आप इस सिम्टम को, अपने इस समस्या को लेके अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करेंगे। हमने बात कर ली, हमने समझ लिया कि जॉन्डिस है क्या, और जॉन्डिस की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, हमारे लीवर पे कितना बड़ा उसका सीवियर इफेक्ट है, जिसकी वजह से लीवर फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम आगे हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वो मैंने आपको क्या बताया कि आपकी बॉडी में बिलीरुबिन का अमाउंट ज़्यादा है। तो ऑब्वियस है, हम ऐसी मेडिकेशंस लेंगे जो हमारी बॉडी में बिलीरुबिन का सिक्रीशन कम करे, मतलब हमारी बॉडी में बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बने ही ना, और हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं ब्रेक डाउन हो। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर हम ये सोचें कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन हो ही ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज होता है, 120 डेज के बाद उसे ब्रेक डाउन होना पड़ता है ताकि आपकी नई सेल्स बने। लेकिन जब सेल्स बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाती हैं तो वो बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट करती हैं और हमारी बॉडी में बिलीरुबिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हम रेड ब्लड सेल्स तो ऑब्वियस है वो टूटेंगी, उनका ब्रेकडाउन होगा, लेकिन आप इनको कंट्रोल कर सकते हो मेडिकेशन से। और कौन सी मेडिकेशन से? दैट आर आयुर्वेदिक मेडिसिन। क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करती हैं, मतलब आपकी रिकवरी जो है, आपका बिलीरुबिन का अमाउंट एक नॉर्मल रेंज, आपकी रेड ब्लड सेल्स ब्रेकडाउन का एक नॉर्मल रेंज, वो आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन ही रिकवर कर सकती हैं। उस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम से निकलना, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ठीक करना, आपकी बॉडी को बूस्ट अप करना, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो अगर आपको मेडिसिन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो रही है और ऑफन हो रही है, मतलब बार 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 आपको समस्या देखने को मिल रही है, तो आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली श्रेयाज में कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट डाइट, बेस्ट मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे और आपको समझाएंगे। मैंने अपनी वीडियो में आपको अच्छे से बताया है कि बिलीरुबिन कहाँ से आया है, कैसे आया है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट कराया, अपना बिलीरुबिन टेस्ट कराया, तो उसकी रिपोर्ट्स भी आप हमारे डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।